हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि तुसी सारे ठीक ठाक खुशबाश अपने घर होंगे। तो आज का व्लॉग इधर से करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है, इंशाल्लाह आपका व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो वेलकम बैक हो गया आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज है जुमा, तो सबसे पहले तो आप लोगों को जुमा मुबारक। तो भी मैं नहाने लगा हूँ, नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके फिर चलते हैं जुमा पढ़ने। तो चलें गाइस, मैं नहा के फिर मिलता हूँ आपसे। आप लोगों को जादू दिखाते हैं, 1 2। सो गाइस अभी मैं नहा ली हूँ, तो बताएं आपको कैसा लगा मेरा जादू। तो अभी दोस्त की गोला ही हो गया था, हमने जाना है कहीं, तो आए आपको लेके चलते हैं साथ। आज आपको फैसलाबाद का टूर करवाएंगे, फुल मज़े वाला टूर होगा, तो साथ जुड़े रहिएगा। तो आए आपको लेके चलते हैं। सो गाइस अभी दोस्त की जो है दोबारा कॉल आई थी, तो मैंने उससे पूछा भाई खैरियत तो है, मतलब किधर जाना है, क्या करना है। तो अभी उन्होंने कहा करता यार थोड़ी सी वीडियोस बनाने जाना है। तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं, आप वीडियो बना लेना, मेरा व्लॉग बन जाएगा। तो अपनी भी दुकान चलानी है ना, अभी दुकान तो नहीं चलती लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द चलेगी। तो चले गाइस चलते हैं, लोकेशन भी उनको पता है किधर जाना है। तो आए आपको फैसलाबाद भी दिखाते हैं और लोकेशन भी दिखाते हैं जिधर उन्होंने वीडियोस बनानी है। तो गाइस अभी रहमान भाई आ चुके हैं, अभी हम लोग जाने लगे हैं लोकेशन पे, तो आपको पहुंच के मिलते हैं उधर। तो चलें गाइस चलते हैं। हाँ जी रहमान भाई जी। सो गाइस इधर से करते हैं फैसलाबाद का टूर स्टार्ट। तो ये जो सबसे पहला मेन रोड है, इसे कहा जाता है बाबा कैम साई रोड। तो यहाँ से आज का हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है। तो आज का टूर आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, पूरे फैसलाबाद का टूर नहीं है, ये पार्ट वन। ये अभी मैं और रहमान भाई जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको जा। सो ये है हमारा फैसलाबाद का कब्रिस्तान, जो बाबा कैम साई वाला कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। तो सबसे पहले अपने मरहूम के लिए फातिहा पढ़ें प्लीज़। और ये आ गया बाबा कैम साई जी का दरबार। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त भी नज़दीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अब पाकिस्तान के फ्लैग्स की भी वीडियो बना लें। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे। सो गाइस ये जो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया है, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के नाम से मशहूर है। ये यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी। बाकी ये आगे ताहर रफीक ग्रुप की बिल्डिंग, जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है फैसलाबाद की। गाइस आप फैसलाबाद के रोड्स की खूबसूरती और सफाई चेक कर सकते हैं। फैसलाबाद बहुत ही प्यारा शहर है पाकिस्तान का। सो गाइस ये भी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, ये इसका मेन गेट है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ये वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया है, तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो गाइस ये हम अपनी लोकेशन की तरफ जाते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ फैसलाबाद की तरफ। और बाकी ये आ गया SSP ऑपरेशन ऑफिस, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत। सो गाइस ये है हमारी आज की लोकेशन, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। अभी रहमान भाई अंदर गए हैं, तो वापस आएंगे वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो चलें गाइस फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस हम लोग जो है वीडियोस बना के वापस आ चुके हैं, बहुत ही प्यारी कोई मतलब लोकेशन थी। ये डिस्ट्रिक्ट बार था फैसलाबाद का, कचहरियाँ जिसे कहते हैं, तो वो थी, तो बड़ी प्यारी लोकेशन सी थी। तो चलें आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग वीडियोस और पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा ID पे जाएं, उधर मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियोस और मेरी पिक्चर्स देखें। तो मैं अपनी इंस्टा ID में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और इधर मेंशन भी कर दूंगा, तो प्लीज़ गाइस उधर भी फॉलो करें। सो गाइस अभी अरसलान भी आ चुका है, तो अरसलान से पूछते हैं कि इसको लोकेशन कैसी लगी जहाँ हम लोग वीडियोज़ बनाने गए थे। तो हाँ जी अरसलान भी कैसी लगी आपको लोकेशन? लोकेशन बहुत अच्छी थी, जगह बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत प्यारी जगह थी। ये अरसलान भाई का रिव्यू, बाकी किसी और से भी रिव्यू लेंगे। आप लोग भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि लोकेशन कैसी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अरसलान भाई भी कह रहे हैं कि अच्छी थी लोकेशन, तो बाकी आप लोग भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी अभी कर देना वीडियो के स्टार्ट भी। सो गाइस यही था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो पसंद करने की कोशिश करें, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।